नमस्ते, मैं हूँ बाल रोहतगी और आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ अबाउट द तीन महारथी कांग्रेस के नेता, स्टार्टिंग विद नवजोत सिंह सिद्धू जी. नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक कमेंट पास किया कि वोट वाइजली, अदरवाइज आपके बच्चे आगे जाके चाय वाला, पकौड़ा वाला या चौकीदार बन सकते हैं. सो जस्ट टेलिंग हिम वन थिंग दैट सर, इट इज़ बेटर टू बी अ चाय वाला, पकौड़े वाला और अ चौकीदार, बिकॉज दीज पीपल अर्न देयर ब्रेड एंड बटर थ्रू हार्ड वर्क. ये लोग कोई अनपढ़ टेररिस्ट नहीं है जो ऑब्वियसली जिहाद के चक्कर में इनोसेंट लोगों की हत्या कर देते हैं, या ये लोग वो लोग भी नहीं है जो एक नकली गांधी सरनेम रख कर 70 साल से इंडिया की लोगों का पैसा लूटते हुए आ रहे हैं एंड ऑब्वियसली प्रॉपर्टी बनाते हुए आ रहे हैं इन लंडन एंड वेयर नॉट. सो आई थिंक चौकीदार, पकौड़े वाला, यू नो, चाय वाला इज अ मच मोर रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन दैन बींग अ टेररिस्ट और हैविंग अ गांधी सरनेम. कमिंग बैक टू द सेकेंड कांग्रेस नेता, जो ऑब्वियसली कुछ फैंटास्टिक कमेंट्स कर रहे हैं अबाउट ममता बैनर्जी. जी हाँ, वो है नन अदर देन राज बब्बर. राज बब्बर इज सेइंग दैट ममता बैनर्जी नोज द साइज ऑफ द कुर्ता ऑफ नरेंद्र मोदी. सो ही इज़ ट्राइंग टू, यू नो, मेक अ चीप कमेंट, बिलो द बेल्ट कमेंट. बट मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड इस बात से हूँ क्योंकि ममता बैनर्जी और राहुल गांधी जी साथ में खड़े होकर महागठबंधन की बातें कर रहे थे. सो दिस शोज दैट द महागठबंधन इज सच अ फार्स, क्योंकि अगर कोएलिशन की सरकार सेंटर में आती है तो ये सब लोग लड़ेंगे एक दूसरे के साथ टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इंडिया, एंड द गवर्नमेंट विल फॉल एंड हम टैक्स पेयर्स को फिर से इलेक्शन के लिए खड़ा होना पड़ेगा, एंड हमारा पैसा जो ऑब्वियसली यूज हो सकता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विल बी अगेन यूज फॉर इलेक्शन. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड वी नीड टू इलेक्ट अ गवर्नमेंट इन सेंटर विद मेजोरिटी, बिकॉज हम ऐसे बेवकूफ लोगों को कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने का मौका नहीं दे सकते. राज बब्बर कांग्रेस के नेता है, वो कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस के पोलिटिकल पार्टी के हेड राहुल गांधी हाथ पकड़ते हैं ममता बैनर्जी के साथ, मगर आज वो कांग्रेस के राज बब्बर बैठ के ममता बैनर्जी के ऊपर चीप कमेंट्स कर रहे हैं अबाउट हाउ शी नोज द कुर्ता ऑफ नरेंद्र मोदी. यू नो, समथिंग विच इज़ वेरी चीप एंड मिसोजिनिस्ट. बट ऑब्वियसली हमारे देश भारत की फेमिनिस्ट गायब हो गई है, वो हाइबरनेशन में है. दे आर नॉट रिएक्टिंग टू राज बब्बर्स कमेंट बिकॉज हमारे देश की फेमिनिस्ट कांग्रेस को सपोर्ट करती है. तो कांग्रेस के नेता कुछ भी बकवास कर सकते हैं, वो लोग अपने कान बंद करके सो जाते हैं. Now talking about the third Congress leader, he is a new entrant in Congress party. उनका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा जी. Now शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कुछ comment pass किया in one of his speeches कि कैसे Congress family comprises of Mahatma Gandhi to Sardar Patel and obviously Muhammad Ali Jinnah to Jawaharlal Nehru. तो वो ऑब्वियसली मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको मैं एक टेररिस्ट समझती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से इनोसेंट लोगों की जान गई बिकॉज ऑफ बंटवारा 1947, एंड जिन लोगों ने ऑब्वियसली मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड को गिव इन किया, डिमांड को सपोर्ट किया, मैं उनको भी कातिल समझती हूँ फॉर ऑल दोज पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन 1947 पार्टीशन ऑफ भारत. तो शत्रुघ्न सिन्हा इज अ फैन ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, सो यू कैन अंडरस्टैंड हिज लॉयल्टी नाउ. ही हैज जॉइंड कांग्रेस पार्टी बिकॉज इतने सालों से वो बीजेपी में थे एंड बीजेपी में शायद उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था, बिकॉज आई थिंक वी ऑल नो हु इज केपेबल ऑफ वॉट काइंड ऑफ टॉक इफ दे लीव अ पार्टी. अगर आप ये पार्टी छोड़ते हो तो आपका आप मोहम्मद अली जिन्ना को सपोर्ट करने लगते हो, तो ये दिखाता है कि आपकी सोच कितनी घटिया हो सकती है. I'm calling out these people because these people are making statements on a public platform, and life is not all about ticket and political party. Life is more than that. Life is about your country, life is about your family, life is also about your religion. So all the Hindus out there jo mera ye video sun rahe hain, please samajh jaiye ki Congress ke ye jo teen neta hain unki soch kitni ghatiya hai, and ye teen neta indirectly Pakistan aur Pakistan ke Muhammad Ali Jinnah ko support karte hain, jisko main aatankwadi manti hu, jisko main main reason manti hu बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ भारत, जिसकी वजह से इतने लाखों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जान गई. तो आप लोग सोचिए, समझिए कि सच में क्या आप कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ेंगे, जैसे राज बब्बर अभी फिंगर पॉइंट कर रहे हैं
टूवर्ड्स ममता बनर्जी अगर वो कोएलिशन सरकार सेंटर में बनाते हैं तो भी। तो सोच समझ कर वोट करिए, आपका वोट बहुत कीमती है। आप नहीं चाहते कि आपका मेहनत वाला टैक्स पेइंग मनी फिर से यूज हो फॉर अनदर इलेक्शन अगर आप मेजॉरिटी से सरकार सेंटर में नहीं लाते हैं, बिकॉज दिस इज अबाउट यू, दिस इज अबाउट योर फैमिली एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट योर कंट्री एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट योर रिलीजन। स्टॉप गेटिंग ब्रेन वॉश्ड बाई पीपल हु सपोर्ट कांग्रेस, बिकॉज ये लोग तो ना देश के हैं ना धर्म के हैं। नमस्कार।